नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत पटावरी, स्टॉकहेज एंड ईलर्न मार्केट्स का को-फाउंडर। साधारणतः इस जगह आप देखते हैं मेरे पार्टनर विवेक बजाज को। आज लेकिन मैं एक अलग चर्चा लेके आया हूं। उनका विषय होता है शेयर बाजार और उस पर उन्होंने बहुत वीडियो बनाए जिनको आपने बहुत सराहाया। मैं भी उनका फ़ैन हूँ, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक अलग विषय की। आप में से कुछ लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि शेयर बाजार, इतनी चीज़ें आप समझा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप हमें एक्सपर्ट बना दें, बट क्या सबके लिए ये संभव है? तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो आज का हमारा विषय है शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वनस्पत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, वो भी शेयर बाजार के लिए। दैट मीन्स डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो अगर आप देखें तो ये बात तो तय है कि हमें इक्विटी में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी में पार्टिसिपेशन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर देता है किसी भी और इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा। ये जो पूरी चर्चा चलती है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम चाहते हैं हम फिक्स डिपॉजिट डेट मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये एक ऐसी धारणा है जो आपको रिस्क से फ्रीडम नहीं दे रही, बल्कि फ्रीडम टू बिकम पुअर दे रही है। बिकॉज अगर आप बात करें टैक्स एडजस्टेड पोस्ट इन्फ्लेशन या पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की, इसका मतलब हुआ महंगाई को एडजस्ट करके जो टैक्स हमें पे करने हैं फिक्स्ड इनकम पे, वो एडजस्ट करके अगर हम एफडी की रिटर्न या किसी भी और रिटर्न को देखें, तो आपको समझ में आएगा रियल सेंस में आप पैसे कमा नहीं रहे, गंवा रहे हैं। इसलिए कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में इक्विटी यानी शेयर मार्केट का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिंस ये बात हम सब मानते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि इसके दो तरीके हैं शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करने के। एक, आप डायरेक्ट शेयर्स को चूज़ करें और उसमें बाइंग और सेलिंग करें, जो कि आप समझते आ रहे हैं हमारे द्वारा। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स, जिससे आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं थ्रू अ म्यूचुअल फंड। ये दोनों एकदम डिस्टिंक्ट तरीके हैं। शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टॉक्स की, किस तरह से वो शेयर को पहले आपको समझना होगा, उसकी चाल को समझना होगा, उसके भाव को समझना होगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, यानी आपको एक एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी। उसके साथ साथ आपको चाहिए टूल्स, आपको चाहिए एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ, आपको चाहिए लर्निंग कैपेबिलिटी। ये सब चीज़ें मिला के आप बनते हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, और वो भी कई बार फेल होने के बाद। ये हम सब नहीं कर सकते, हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम समय देंगे, अगर हमारी चाह होगी, विलिंगनेस होगी, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास एक सरल उपाय है, वो है म्यूचुअल फंड, जो इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही सरल तरीके से टैकल करता है। आइए हम जल्दी से जानते हैं क्यों म्यूचुअल फंड वह तरीका है जो शेयर बाजार में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, शेयर बाजार में जो इनकम जनरेट हो सकती है वो आपको करके देता है, और जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ओवरकम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेगुलेटेड है, और उसका एक फ्रेमवर्क सेबी द्वारा निर्धारित है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हो जाता है। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। उसमें इस तरह के रूल्स होते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में लेट से 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको 20 स्टॉक में कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम आपका 20% ऑफ द पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होना चाहिए क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशन कम होता है। इस तरह के कई नियम होते हैं फ्रेमवर्क में, जो अपने आप म्यूचुअल फंड को लेस रिस्की बनाता है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी। दूसरा रीजन है इट इज़ मैनेज्ड बाई अ एक्सपर्ट, ये एक ऐसे विशेषज्ञ द्वारा मैनेज किया जाता है जिसको मार्केट का चढ़ाव उतार और एक एक स्टॉक की इनडेप्थ नॉलेज होती है। हमको वो स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है और कई बार हम उसमें गलत भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर गलत नहीं होते, बट सिंस उनकी नॉलेज ज़्यादा है, आप उन पर निर्भर रह सकते हैं, उसमें जो शॉक्स लगने हैं वो कम लगेंगे आपको। तीसरा एक बहुत ही अहम पहलू है कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, तो क्या होता है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए वो थोड़े से पैसे शायद कभी कभी
काफ़ी नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसमें आप कुछ इनकम देखना चाहते हैं, साथ में आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी मल्टीपल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लाखों रुपए की बात कर रहे हैं हम मिनिमम शेयर बाजार में घुसने के पहले, बट म्यूचुअल फंड आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, और एक बहुत बड़ा रीज़न है जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो ये है कि शेयर बाजार में आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखने के लिए, उसके अच्छे रिटर्न जनरेट करने के लिए, और जिस पे लगता है टैक्स। अगर आप एक साल के भीतर कोई शेयर लेके बेचते हैं तो आपको पता है उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि म्यूचुअल फंड में यही काम आपके लिए फंड मैनेजर फंड के भीतर कर रहा है, उसका इम्पैक्ट टैक्सेशन का आप पे नहीं आता। इस टैक्स की बचत को आप एक लंबे अवधि में लेके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप काफ़ी पैसे बचा रहे हैं। तो यही सब छोटे छोटे जो फायदे हैं, इनको लेके हमें सोचना है क्या हमारे लिए डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी शेयर बाजार में खुद से शेयर खरीदना और बेचना फायदेमंद रहेगा, या मुझे म्यूचुअल फंड के रूट से जाना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बता दूं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और उसमें अगर आप करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं तो द ग्रोथ इज मच हायर। आपने देखा है, आपने जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सुने हैं वो शायद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बड़े नहीं बने, लेकिन आपको अगर एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए विथ मिनिमम एफर्ट फ्रॉम योर साइड, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम योर साइड, आप मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ एक अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं और शेयर बाजार में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में फायदा उठाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको सोचना चाहिए। तो इसी के साथ आप थ्रेड्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड से संबंधित, मैं कोशिश करूंगा आपको उनके आंसर देने की। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी, चाहे शेयर खरीदने हो चाहे म्यूचुअल फंड, आपको रिसर्च करनी होगी, उसके लिए आपको सीखना होगा। तो दोस्तों, सीखते रहें और कीप लर्निंग कीप अर्निंग। इसी के साथ विदा लेता हूँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वहाँ एक बेल आइकन दिख रहा होगा जिसको अगर आप दबाते हैं तो हमारे चैनल के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आपका प्यार हम पे यूं ही बरकरार रखें। धन्यवाद। थैंक यू।